संगत जी, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने आज मुझे ये लाइव मौका दिया सत्संग शेयर करने का। एक्चुअली ये मेरा पहला ऐसे लाइव सत्संग है। थोड़ी सी नर्वसनेस है, कोई गलती होगी तो प्लीज माफ करिएगा संगत जी और गुरु जी। और गुरु जी ने जो बुलवाना है वही बुलवाएंगे। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी, मुझे नहीं पता कब, पर अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सो 2019 में स्टार्ट हो गई थी। मैंने एक्चुअली, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, आई वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन फ्रॉम लास्ट 10 to 12 ईयर्स, मे बी मोर, जो कि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कब से, जो कि डॉक्टर्स को दिखाते थे और डॉक्टर्स बोलते थे कि बहुत मूड स्विंग्स हैं, या कभी कोई बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते थे, तो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट बोलते थे। तो 2019 में मैंने गुरुजी की एक बुक, सुखमनी आंटी की है, सर्च आर डिवाइन, मैंने वो पढ़ी थी। और फर्स्ट टाइम मैंने वो बुक पढ़ी तो इट लाइक आई गॉट सच सच गूज बम्स, और मेरी पूरी बॉडी शिवर्ड हो गई कि ये क्या था। मतलब एकदम से गुरुजी ने उस बुक के थ्रू शायद मुझे कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत ज्यादा वर्स होने वाली हूँ। तो वो बुक पढ़ी, उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आए, काश ही गुरुजी मुझे मिले होते। बींग फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, गुरुजी को, मुझे पता चला कि गुरुजी को आर्मी ऑफिसर्स बड़े अच्छे लगते थे, पर हम, मुझे हुआ कि गुरुजी आपने क्यों नहीं तब बुलाया हमको, हम दिल्ली भी रहते थे, तब क्यों नहीं बुलाया आपने। पर वो तो गुरुजी को पता है ना कि कब उन्होंने अपने आप से हमको जोड़ना है। तो 2009 में जब मैंने बुक पढ़ी, उसके बाद खैर मुझे ज्यादा पता नहीं चला। तो मेरा कजन ब्रदर है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, समहाउ 2020 में मेरा डिप्रेशन जो था वो वर्स हो चुका था, इट केम टू बी एक्यूट सुसाइडल डिप्रेशन। तो इतना ज्यादा सिवियर हो गया था कि मेरे दिमाग में हमेशा थॉट रहते थे कि हाउ टू फिनिश ऑफ माई लाइफ। मतलब हमेशा दिमाग में यही चीज चलती रहती थी कि मेरी ऑलरेडी थेरेपी चल रही थी, साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी, थेरेपी चल रही थी, मेडिसिन चल रही थी, पर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मीन टाइम मैं बुद्धिज्म में भी थी, चैंटिंग करती थी, आर्ट ऑफ लिविंग करा हुआ था मैंने, और बुद्धिज्म की चैंटिंग भी काफी देर तक करती रही कि शायद कहीं पीस ऑफ माइंड मिलेगा, कहीं मुझे शांति मिलेगी, कहीं तो कुछ तो है अंदर जो समझ नहीं आ रहा क्या है। और हमेशा, मतलब ऑलवेज अप टू दिस थिंग कि आज, मतलब मेरा सुसाइडल नोट हमेशा मेरे पिल्लो के नीचे मैं लिख के रखती थी, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ इतनी ज्यादा, मुझे नफरत हो गई थी अपने आप से कि मैं अपने आप को मिरर में भी मैंने देखना बंद कर दिया था। मेरी ये अभी पिछले 3-4 साल में मेरी सिचुएशन वर्स हो चुकी थी कि मेरे को अपने आप को देखते हुए भी इतनी तकलीफ होती थी कि बस अपने आप को खत्म कर दो। और इतने सिवियर पैनिक एंग्जाइटी अटैक्स होते थे कि आई स्टार्टेड यूज टू स्क्रैच माई होल बॉडी। समहाउ मेन टाइम मेरा मेडिकेशन चल रहा था और मैं अपने पेरेंट्स के पास यहाँ चंडीगढ़ आई थी। तो मेरा इतना ज्यादा सिवियर हो चुका था कि मतलब एवरी डे वॉन्ट टू डाई वाली सिचुएशन थी। तो मेरा कजन है ऑस्ट्रेलिया में, अमित अंकल, ही इज ऑल्सो गुरु जी की संगत। तो उसको मेरे बारे में थोड़ा सा पता चला, समहाउ मैंने सबसे, मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया था, मेरे को किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता था। तो उसने कैसे जैसे करके मम्मा को रिक्वेस्ट करी कि नहीं एक बारी मेरी दीदी से बात करा दो। तो उसने जब मुझसे बात करी तो उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया और गुरुजी के बारे में, तब तो मैं गुरुजी की फोटो बोलती थी ऑब्वियसली, तो गुरुजी का स्वरूप दिखाया, मोबाइल पे भेजा और मुझे बताया कि दीदी एक बारी आप इनको फॉलो करो, मतलब आप इनको देखो, सुनो इनको। तो उस टाइम पे आपका जब माइंड ऐसा सेट, माइंड सेट इतना खराब होता है कि आपको नहीं समझ में आता और आपको नहीं सुनना होता किसी की बात, तो काफी टाइम तक तो यही चलता रहा। दिस इज समवेयर अराउंड सितंबर आई सपोज 2020 में, जब मेरे को मेरे ब्रदर ने वहां से बोला कि दीदी एक बारी, उसने मुझे बड़ा जूम, जो बड़े मंदिर का जो गुरु जी का आश्रम जूम लिंक है डायरेक्ट वहां से जो सत्संग शेयर होते हैं रोज रात को, तो उसने मुझे उस लिंक में भी ऐड कराया। समहाउ 10-15 दिन मैंने ऐसे ही निकाल दिए क्योंकि आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आपका माइंडसेट इतना खराब था। तो उसने मुझे बोला आप एक बार ही ज्वाइन करो। तो आई रिमेम्बर वो मेरे को हर रोज, मतलब पूछता था आपने सुना कि नहीं सुना, आपने कनेक्ट किया कि नहीं किया, तो मैं उसको रोज टाल देती थी कुछ कुछ बोल के। पर जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरे को ऐसे लगा कि आई हैव सीन हिम समवेयर। फिर आई रिमेम्बर कि जब मैं 2016 में गुड़गांव में थी तो मैंने कहीं पर किसी के फोन पे देखा और मैंने बोला बड़े हाईफाई गुरुजी हैं,
ये कहाँ, मतलब लोग कैसे कैसे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं. तो दैट वॉज माई थॉट. तो मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल गुरु जी का येलो चोले वाला स्वरूप था जो मैंने फर्स्ट टाइम किसी के फोन पे देखा था. तो आई रिमेम्बर कि मतलब ब्रदर काफी टाइम तक बोलता रहा, समहाउ मैंने कनेक्ट नहीं किया जूम पर. तो उसने अनुराग अंकल को कॉल किया और उनको बोला कि दीदी माई सिस्टर इज इन वेरी बैड कंडीशन, आप उनके यहाँ प्लीज गुरु जी का स्वरूप भिजवा सकते हैं, उनके यहाँ देकर आ सकते हैं. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनुराग अंकल. अनुराग अंकल का कॉल आया तो उन्होंने मेरे को बोला, दैट वॉज आई स्टिल रिमेम्बर, 1st October थी, पूर्णमासी का दिन था, 1st October 2020 था, पूर्णमासी का दिन था. तो गुरुजी ने अंकल का कॉल आया मेरे पास और अंकल ने बोला कि आज मेरे घर, बिकॉज वो लॉकडाउन वाला चल रहा था, कोविड टाइम था, तो ज्यादा संगत भी नहीं हो रही थी. तो उन्होंने मुझे बोला कि आज आंटी मैं आपके यहाँ नहीं दे पाऊंगा, मेरे यहाँ ऑलरेडी सत्संग गुरुजी आज पूर्णमासी का है, तो मैं आपको कल आके देता हूँ. आई सेड ओके नो वरीज. तो उनका रात को 10:30 फिर से कॉल आया और मुझे कहते हैं कि आंटी मैं आ रहा हूँ स्वरूप लेकर. तो देखिए गुरुजी ने उस दिन आना था मेरे पास, पूर्णमासी का दिन था, तो गुरुजी का एक वाइट चोले वाला स्वरूप है, उन्होंने वो लाके दिया, एक लॉकेट दिया और फिर से वही बुक, मतलब जो जिस बुक से मुझे सब पढ़ के सबसे पहले प्यार हो गया था गुरुजी से और मैं ढूंढ रही थी कि काश ये मुझे मिले होते, सर्च आर डिवाइन वाली बुक उन्होंने मेरे हाथ में दी. ये तीन चीजें मेरे हाथ में पकड़ाई. पर उन्होंने जब वो गुरुजी का स्वरूप वाइट चोले वाला मुझे पकड़ाया, मेरी पूरी बॉडी शिवर कर गई और मैं आपको भी सुना रही हूँ, अभी भी मेरा ऐसे ही हो रहा है हाल, इतने गूज़बम्स आ रहे हैं और अजीब सी कंपन हो रही है. तो मेरी पूरी बॉडी ऐसे कांप गई जैसे पता नहीं क्या हुआ और एकदम से मैं आई स्टार्टेड शिवरिंग जैसे ही मैंने वो स्वरूप हाथ में लिया. तो अंकल ने मुझे बोला ये लॉकेट है, ये आप पहन लीजिए. मैंने कहा ठीक है. घर आके मतलब मैंने अंदर रखा, अपने मंदिर में रखा वहां पर गुरुजी को. तो मैं सोचती रही कि मुझे आज ये हुआ क्या, मतलब मेरी बॉडी क्यों कांप गई, मैं इतनी शिवर क्यों कर गई एकदम से, ये क्या था, समझ नहीं आया. गुरुजी ने शायद खींच लिया था या मेरे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी घूम रही थी वो गुरुजी को समझ में आ गई थी, और गुरुजी को तो खैर बहुत पहले ही समझ में आ गई थी, हम ही लेट समझते हैं सब चीजें. तो ये मेरी जर्नी, मतलब गुरुजी ने अपने स्वरूप के फॉर्म में मेरी लाइफ में 1st October 2020 में एंट्री करी. वो बहुत ही सुंदर दिन था जो मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो गुरुजी ने आते ही मतलब कुछ तो हुआ मेरे अंदर जो मुझे नहीं समझ में आता. फिर उसके बाद मैंने फिर जब वो मैंने स्वरूप देखा उसके बाद पता नहीं अंदर से कुछ हुआ कि अब मैंने वो जूम सत्संग सुनना है. और मेरी इस मीन टाइम मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही थी, मेरी साइकेट्रिक से काउंसलिंग चल रही थी, सब कुछ चल रहा था. तो क्योंकि वो मेरा सिचुएशन ही इतना गड़बड़ रहता था कि आई थिंक सो कोई भी डिप्रेशन पेशेंट समझ सकता है कि कितना मिजरेबल हो सकते बिकॉज इट वॉज एन अक्यूट सुसाइडल डिप्रेशन. तो फिर मैंने अपना ये जूम सत्संग स्टार्ट करा सुनना. दिस इज ये अक्टूबर की बात है 2020. तो जब जैसे मैंने रोज वो सुनना शुरू करा इट वॉज लाइक अ मेडिसिन फॉर मी. मतलब वो सत्संग सुन के सब लोगों के संगत के सुन के ऐसे लगता था कि यही मेरी दवाई है. मतलब मैं इतने साल से क्या मिस कर रही थी, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं, मैं क्यों नहीं पहले कनेक्ट किया. मेरा भाई अमित मेरे को बोल बोल के थक गया, दीदी एक बारी सुन ले, और मैंने क्यों नहीं सुना. एंड दैट टाइम आई वॉज अगेन कर्सिंग माई सेल्फ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ निकली जो इतना लेट मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी. तो ऐसे धीरे धीरे मतलब वो कनेक्शन मेरा ऐसे बनने लग गया कि मेरे को रात को जो नींद की गोली लेके सोनी होती थी, मेरी नींद की गोली वो जूम सत्संग बन चुके थे. मैंने गुरुजी के आगे अपनी सारी मेडिसिन रख दी. मैंने बोल दिया उनको, मैं कहा गुरुजी मुझे अब ये डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं खानी है, मुझे ऐसे डर डर के नहीं जीना, मुझे ऐसे मर मर के नहीं जीना, आप ही हो जो मुझे इससे छुटकारा दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता. मैंने सारी मेडिसिन उनके आगे रख दिए और दिसंबर में मेरा चेकअप था फिर से, मतलब वहीं पर मेरी दिल्ली की डॉक्टर थी वहां मेरा चेकअप हो रहा था. तो मीन टाइम अंदर से एक जैसे आवाज आई ना कि मुझे बड़े मंदिर भी जाना है, मुझे किसी ने बताया कि बड़े मंदिर भी एक बार दर्शन करके आओ. तो मुझे हम लोगों ने बाय कार जाना था, मैंने और मेरे ब्रदर ने. तो क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे कि ऐसे लगता है जैसे कोई अड़चने आती है ना, यहाँ गुरुजी शायद मेरा टेस्ट लेना गुरुजी ने शायद स्टार्ट कर दिया था.
तो हम लोगों ने यहाँ से उस टाइम वो किसान आके बैठ गए थे, तो रास्ते ब्लॉक हो गए थे, तो हमने बाय रोड जाना था। तो बुकिंग भी ऑनलाइन वो ई पास के थ्रू चल रही थी। तो भाई मेरा साथ दिसंबर की बात है, तब हम लोग ई पास की बुकिंग सब स्लॉट्स वगैरह सब देख रहे थे, तो हमारा वो बुक हो चुका था, स्लॉट वगैरह सब मिल चुका था। तो पर हमें टेंशन हो गई कि अब हम कैसे जाएंगे, किसान बैठ गए रास्ते में, और हमने कैब भी बुक करी है, कैंसिल कराना पड़ेगा, हम जा ही नहीं पाएंगे। एक दिन पहले, मतलब नेक्स्ट डे हमने जाना था, जिस दिन हमारे दर्शन थे, एक दिन पहले पापा बताते हैं कि न्यूज़पेपर में आया कि शताब्दी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो गुरुजी ने देखो कैसे बुलाना था, क्योंकि गुरुजी ने बुलाना था, मैंने ई पास, गुरुजी को पता था कि अब इस ये मेरी तरफ आना चाहती है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ इसको। तो फर्स्ट, तो मेरे को डेट याद है, दैट इज अगेन 11th of December 2020। हम लोगों ने, भाई ने फटाफट शताब्दी की ट्रेन की टिकट बुक करी और हम यहाँ से दर्शन के लिए गए। वहां बड़े मंदिर पहुंची, क्योंकि मैंने तो ना कभी देखा था ना मुझे कुछ पता था बड़े मंदिर के बारे में। हाँ, सत्संग सुने थे जब मैंने जूम पे कनेक्ट करना शुरू करा था। तो जब मैंने बड़े मंदिर जब मैं गई फर्स्ट टाइम दिसंबर में, मैंने जैसे ही फर्स्ट कदम रखा मंदिर के अंदर, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी, जैसे छोटा बच्चा बिलक बिलक के रो रहा होता है, मेरा रोना इस तरह से शुरू हो गया। और फिर से वही चीज, पहला कदम मंदिर के अंदर रखते ही मेरी बॉडी फिर से कांप उठी, फिर कोई इतना जबरदस्त बॉडी में करंट लगा, मुझे नहीं समझ में आया मुझे क्या हुआ। जैसे जैसे कदम बढ़ते गए मेरा रोना बढ़ता गया, मतलब बस मैं चीखी चिल्लाई नहीं जोर से, वो शायद गुरुजी की वहां का जो पॉजिटिव ऑरा है वो गुरुजी ने इतना कंट्रोल करके रखा हुआ था। जैसे ही दरबार के पास पहुंची, एंड आई फेल्ट, मतलब मैं, क्योंकि हम वहां पर, वो लोग उस टाइम पे मत्था टेकने नहीं दे रहे थे, पर जैसे ही मैंने सर झुकाया, मैंने फील किया मेरे अंदर से कोई सोल, किसी ने कुछ खींच के ऐसे करके निकाला अपनी तरफ से, एंड आई कुड फील कि मेरी जो सोल है, मे बी दैट नेगेटिव सोल जो प्योर हो गई होगी, वो गुरुजी ने खींच के एकदम जमीन पे लगाई और मेरे को ऐसे खींचा, कुछ अंदर से खींच के बाहर निकला। और मैं एकदम से ये हो गया, मतलब मैं एकदम से कांप गई कि मेरे साथ ये क्या हुआ, जैसे आप सरेंडर करते हैं और ऐसे नीचे गिर जाते हैं, उस तरह से फील हुआ कि मेरे अंदर से कुछ खींच के निकाल दिया गया है एकदम से। और मैंने एकदम से लाइट फील किया मुझे, मतलब वो इतना सुंदर एक्सपीरियंस था कि कुछ फील हुआ था कि आपके अंदर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी जो इतने सालों से दबी हुई थी, वो कोई नहीं निकाल सकता, वो गुरुजी निकाल सकते हैं। जैसे ही मैंने बो किया और मेरे ऐसे अंदर से नीचे से अंदर से सोल खींच के बाहर गई, उसके बाद मैंने लाइट फील किया, पर मेरा रोना कंटिन्यू था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जैसे ही बाहर निकली, मेरा भाई थोड़ा घबराने लग गया कि कहीं फिर से तो नहीं इसको एंग्जाइटी अटैक हो गया, मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा, हम तो मेडिसिन भी नहीं लाए, और अभी हमने नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाना था दिखाने के लिए, बिकॉज मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो बाहर हम जैसे ही वहां से पीछे से जोड़ा घर जो है, वहां से पीछे से गुरुजी की जो कुटिया है, वहां से होते हुए जैसे ही बाहर गए, मेरा तो रोना कंटिन्यू था ऐसे जोर जोर से। तो एकदम से एक आंटी आके मुझे कहती है कि हुन रोना धोना बंद कर, ते खुशी खुशी कार जा, हुन तेरी सारी टेंशन खत्म। तो मैं हांजी हांजी करके उस टाइम पे तो चली गई। एंड बाद में जब मैंने फिर से किसी का सत्संग सुना और मैंने रियलाइज किया कि कितनी बेवकूफ हूं मैं, ये तो गुरुजी थे जो कि आके बोल गए कि बस अब चुप, रोना धोना बंद कर, मैं आ गया हूं तेरी लाइफ में, अब मैं तुझे संभालूंगा। तो गुरुजी की एंट्री तो पल पल हो रही थी, पर मैं थोड़ी सी नादान, मुझे समझ नहीं आ रही थी हर वक्त कि ये कैसे दर्शन देते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा नाउ यू डोंट नीड एनी मेडिसिन, यू आर परफेक्टली फाइन, यू कैन लीव योर मेडिसिन। तो शुक्राना गुरुजी, ये मेडिसिन कोई नहीं छुड़वा सकता था, ये मेरा डिप्रेशन कोई नहीं निकाल सकता था गुरुजी के अलावा, ये मेरी आज मैं जो आपके सामने बैठ के इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, हंस रही हूँ, वो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं। जिस लड़की को अपने आप से इतनी सख्त नफरत हो गई थी, जो हर रोज अपने आप को मारने के लिए सोचती थी कि किस तरह से मारूं, किस तरह से अपनी लाइफ खत्म करूं, आज वो आपके सामने इतने कॉन्फिडेंटली बैठ के बात कर रही है, बात कर अपने गुरुजी के गुणगान गा रही है, गुरुजी की महिमा गा रही है कि ये बीमारी कोई नहीं निकाल सकता मेरे गुरुजी के अलावा। क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था दिस इज लाइफ टाइम मेडिसिन खाते रहो, ये सब तो इसको चलता ही रहेगा, ये तो ठीक हो नहीं सकता। इस तरह से मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक किया। फिर मेरे को ध्यान है कि गुरुजी कुछ 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 थोड़ा बहुत जो
एज यूजुअल हमारा नेचर बन जाता है कई बार, तो मैं गुरुजी के पास बैठ के मैंने बातें शुरू करी, तो मैं उनके आगे हर वक्त कलपती रहती थी कि गुरुजी मेरे साथ ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ऐसे कर दिया। तो गुरुजी टेलीपैथी थोड़ी सी स्टार्ट हुई, तो गुरुजी ने मुझे ध्यान में बोला कि हर वक्त कलपदी ना रहा कर, सोने सोने सत्संग रे जेड़े मैं तेनू ब्लेस किते ने। तो फिर गुरुजी ने मुझसे डायरी लिखवानी स्टार्ट करी, मैंने गुरुजी की डायरी लिखनी शुरू करी। तब तक खैर यहाँ पर सत्संग स्टार्ट नहीं हुए थे, तो आई रिमेम्बर कि जनवरी फेब की बात होगी, हमारे यहाँ पर एक शॉप है तो मैं वहां गई। तो मेरा ब्रदर फिर अमित मुझे बोलता रहता था कि दीदी तू एक बारी ना लाइव सत्संग अटेंड करके आ, तुझे और फील आएगा, तुझे और पता चलेगा। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर तो हो नहीं रही, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आई रिमेम्बर हमारे घर के पास एक शॉप है, तो मैं वहां पे कुछ लेने गई, तो वहां पे गुरुजी के शब्द चल रहे थे। तो और मैं ऐसे नहीं कि मैं पहली बार गई थी, मैं कई बार उस शॉप पे जाती थी। तो मैं वहां पर अंकल बैठे थे, मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आप गुरुजी की संगत हैं? तो अंकल हंस के बोलते हैं कि नहीं मैं तो कम हूं, मेरी वाइफ ज्यादा है, आप उनका नंबर ले लीजिए। तो गुरुजी ने चंदन आंटी का मुझे नंबर दिया और मैंने उनसे कनेक्ट किया, और वो मेरी यहाँ पर गुरुजी ने पहली संगत मिलाई थी, चंदन आंटी को सबसे पहले मुझे यहाँ पर मिलवाया। उसके बाद फिर हाँ आंटी के थ्रू काफी सारे संगत पता चलने लगे, सत्संग पता लगने लगे, और हम लोग इकट्ठे सत्संग के लिए जाने शुरू हो गए। मेरा फर्स्ट लाइव सत्संग जो मैंने अटेंड किया था यहाँ पर, वो गुलाटी भवन में था। वो भी बड़ा सुंदर गुरुजी का एक्सपीरियंस है। मतलब देखो गुरुजी के टाइमिंग्स की, गुरुजी को पता था कि अब इसको संगत मिलवानी है और इसको सत्संग अटेंड कराना है, क्योंकि अब ये ठीक हो रही है, बेटर हो रही है। तो मेरा फर्स्ट फेब में फर्स्ट मैंने सत्संग अटेंड किया था गुलाटी भवन में। तो वो भी ऐसा था कि जब मैं वहां पहुंची तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे करते हैं। तो हम लोग जाके मत्था टेका दरबार में, और बहुत ही डिवाइन दरबार था वहां जाके, फिर से मतलब आप खो जाते हो, इतना सुंदर दरबार गुरुजी का कि आप बस देखते ही रह गए एकटक अपने गुरुजी को कि क्या है ये, कहाँ थे ये, पहले क्यों नहीं मिले। तो जैसी मैं वहां जाके बैठी तो थोड़ी देर बाद एकदम से वेलकम बैंड बजा और सब लोग खड़े हो गए, और मैं ना बड़े हैरान होकर देखने लगी कि कौन आ रहा है, क्यों उन्होंने रास्ता छोड़ दिया है, जो ट्रैक बना होता है वो क्यों छोड़ दिया है, क्या हो रहा है। मैं इधर उधर देखने लगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। खैर मैं देखते मैंने आईज क्लोज करी अपनी, और मुझे एकदम से ऐसे फील हुआ कि किसी का दुपट्टा मुझे लहराता हुआ, मुझे टच करता हुआ मेरे पास से निकला है, और भीनी सी कोई खुशबू आई है, और मेरी बॉडी फिर से एकदम से, मुझे गूज़बम्स आए हैं, और मेरी बॉडी फिर से एकदम से हल्की सी कांप उठी, कुछ हुआ मेरे साथ, मतलब क्या टच करके गया। और मेरे आसपास जो आंटी खड़ी थी, अंकल जो भी खड़े थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि भाई उनका दुपट्टा लहराया कुछ हो। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, मतलब ऐसे मैं खड़ी हूं और मैं इतनी हैरान परेशान कि अजीब सी हुई। तो देखो गुरु जी ने फिर अपनी प्रेजेंस मुझे शो कर दी कि मैं यही हूं, तेरे पास हूं, हर वक्त तेरे साथ हूं, तुझे संभाल रहा हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो ये तो धीरे धीरे हमें समझ आई ना गुरुजी की बात। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे फिर मेरा फर्स्ट ड्रीम विजन आया, ये दर्शन हुए इतने सुंदर, वहां प्रसाद खाया, बहुत अच्छा लगा वो सत्संग, जो पहली बार वो सत्संग अटेंड करा। तो मेरा फर्स्ट विजन आया, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं एक अंधेरे से कमरे में हूं, और छोटी सी बच्ची हूं मैं, और मैंने वाइट गुरु मतलब गंदे से कपड़े पहन रखे हैं। तो गुरुजी आए हैं उस अंधेरे कमरे में, उस कमरे की गुरुजी ने खिड़कियां खोली हैं, और मुझे बोल रहे हैं, मुझे नहला के तैयार करके एकदम सुंदर से सफेद से कपड़े पहना के बिठा दिया उस कमरे में, और बोला कि अभी खिड़कियां दरवाजे खोल दिया, मैं तुझे इस कमरे से बाहर ले जाऊंगा, और मुझे ना ड्रॉइंग बुक मेरे हाथ में पकड़ा दी कि अब तू बैठ के ना ड्रॉइंग बना इसमें, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, मैं आर्टिस्ट भी हूं और फैशन डिजाइनिंग की हुई है। तो शायद गुरुजी की कहीं मेरी वो थोड़ी खूबी पता है गुरुजी को कि इसको ये सब करने में अच्छा लगता है। तो गुरुजी ने मुझे आके ड्रीम में बोला कि यू स्टार्ट पेंटिंग, यू स्टार्ट कलरिंग करना शुरू करो, तुम ड्रॉइंग बुक पे करो, मैं तुझे इस अंधेरे कमरे से एक दिन बाहर निकाल के ले जाऊंगा। ये मेरा गुरुजी का फर्स्ट ब्यूटिफुल विजन था, जो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया। जो मुझे समझ में आया ये फेब की बात थी, और मुझे ये समझ में आया 21 दिसंबर में, ये 21 में ये ड्रीम आया था, और दिसंबर में जब क्रिसमस की यहाँ पर मतलब
मुझे पता चला किसी के थ्रू कि क्रिसमस पे एग्जीबिशन लग रही है आर्ट की। और देखो गुरुजी ने मुझे कब ये ड्रीम दिखाया था कि तू पेंटिंग पे फोकस कर, तेको अच्छा लगता है पेंटिंग करना, तू पेंटिंग कर। और वो ड्रीम गुरुजी ने तब कंप्लीट किया कि मैंने 3 दिन की आर्ट एग्जीबिशन लगाई और इतना मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल गुरुजी ने मेरा बढ़ाया उस आर्ट एग्जीबिशन के साथ कि मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं अकेले कभी कोई आर्ट एग्जीबिशन भी लगाऊंगी कहीं पर जाकर, वो भी यहाँ कला भवन में जाके मैंने अकेले आर्ट एग्जीबिशन लगाई, जो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसे कर सकती हूँ। और ये कोई नहीं कर सकता फिर से, ये कॉन्फिडेंस हमारे गुरुजी दे सकते हैं। और ये जो चीज हम नहीं सोच सकते ना वो ही सारी चीजें होती हैं, और हमें लगता है कि हमारा दिमाग बहुत चल रहा है, पर एक्चुअली में हमारा दिमाग बिल्कुल गलत है। ये सारी गुरुजी ही कर सकते हैं जो हम बहुत लेट समझते हैं। अब कुछ कुछ समझ आ रहा है पर अभी भी शायद हम इतने अच्छे से नहीं समझते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरी आर्ट एग्जीबिशन दिसंबर में लगवाई। फिर गुरुजी ने मुझे बैम्बी आंटी की एक बुक है गुरुजी माय फादर, तो वो इंग्लिश में थी। तो यहाँ ईशा आंटी हैं, उन आंटी ने मुझे ये सेवा दी कि कुछ संगत है जो बुक ना हिंदी में पढ़ना चाहती है। तो आंटी ने मुझे बोला कि सुरुचि तुम इस बुक को ना हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। तो गुरुजी को फिर पता है कि इसकी हिंदी तो बहुत खराब है, तो गुरुजी ने भी वही काम कराना है, जो जो आपकी कमियां हैं गुरुजी उसी को ठीक करते हैं ना, क्योंकि गुरुजी को पता है आपको जो फियर है आपका वो फियर गुरुजी ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। तो गुरुजी ने एक और फियर निकाला, एक फियर तो गुरुजी ने आज निकाला जो मैं आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ, विच इज द बिगेस्ट फियर। मैं ऐसे इतने सारे लोगों के सामने नहीं बोल पाती, मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है, तो ये फियर भी गुरुजी ने निकाला। तो गुरुजी ने बैम्बी आंटी की बुक मुझसे हिंदी में पूरी ट्रांसलेट करवाई, एंड ही मेड मी राइट इन एवरीथिंग बाय माय हैंड, टाइप नहीं करवाया, सब कुछ मैंने हैंड रिटन किया, एक एक शब्द गुरुजी ने लिखवाया। और मुझे याद है कि एक उसमें लास्ट पेज था ग्रेटिट्यूड पेज, जो कि आप थैंक यू कर रहे हैं सबको, तो उस पेज को गुरुजी ने मुझसे 3 बारी लिखवाया, बिकॉज शायद गुरुजी को लग रहा था इसकी अभी कमी है, ये अभी भी इसके अंदर ग्रेटिट्यूड की कमी है, थैंक यू नहीं बोलती है, प्रेजेंट में नहीं जीती है। तो वो पेज गुरुजी ने मेरे से 3 बारी लिखवाया, और मैंने वो पेज 3 बारी लिख के बाद में अपना दिमाग, मतलब अपना दिमाग तो नहीं लगाना चाहिए, बाद में समझ में आया कि गुरुजी बार बार ये पेज क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि मैं हर बात पे शुक्राना नहीं करती हूँ। तो गुरुजी ने वो सिखाया कि शुक्राना करना सीखो, जिंदगी मिली है इतनी सुंदर, इसको जियो, खुश होके हंस के जियो, कल का और आने वाले कल का मत सोचो, लिव इन प्रेजेंट। तो गुरुजी ने ये चीज सिखाई। फिर मुझे गुरुजी ने सेवा दी यहाँ पर दरबार सजाने की, वो इतनी इतनी सुंदर सेवा दे दी कि इतना अच्छा लगने लग गया कि गुरुजी, मतलब गुरुजी ने पल पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। दरबार की सेवा यहाँ पर शुरू हो गई। फिर मुझे ड्राइविंग पसंद था, मैंने वो डर के मारे वो नहीं करती थी, तो गुरुजी ने अपने बर्थडे पे मुझे पटियाला बुलवाया। मैं फर्स्ट टाइम अपनी आंटियों को लेकर, ईशा आंटी, चंदन आंटी, नीलम आंटी, इन सबको लेकर फर्स्ट टाइम मैं ऑल द वे पटियाला ड्राइव करके गई। उस दिन गुरुजी का बर्थडे था मटकन आंटी के घर में, तो गाड़ी में तो बैठ गई पर अंदर से डर लग रहा था, और गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी इन आंटियों को नहीं पता कि मुझे ड्राइविंग, मैंने कभी हाईवे पे ऐसे ड्राइव नहीं करी, तो ड्राइव आप ही कर रहे हो, आप ही ने लेके जाना है मुझे, तो ठीक ठाक लेके जाना और ठीक ठाक वापस लेकर आना। तो गुरुजी वहां लेके गए, और उनका बर्थडे पहली बार मटकन आंटी के घर में मैंने देखा। बहुत ही सुंदर दरबार था, गुरुजी का एक एक चोला वहां पड़ा हुआ, गुरुजी के बर्तन सब कुछ वहां आंटी के घर में देखे, इतना अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत गुरुजी ने बर्थडे अपना एंजॉय करवाया। शाम को आए तो शाम को ईशा आंटी की मदर के घर में सत्संग था, तो वहां पर मेरी अगेन दरबार डेकोरेशन की सेवा थी, तो हमने मिलके वहां दरबार सजाया। जब मैंने वहां पे गुरुजी का चोला सजाया, उनकी गद्दी सजाई, तो फिर सजाने के बाद ना मैंने पिक्चर वगैरह क्लिक करी, तो उसके बाद जब पिक्चर क्लिक कर दी, तो जब गुरुजी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, केक वगैरह कटवाया, तो उसके बाद सब लोग बोलने लग गए कि इस पे ना ओम के चोले पे ओम के दर्शन हुए हैं, ओम दिख रहा है, ओम दिख रहा है। तो मैं घर आके ना कंपेयर करने लगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डाउटफुल रहते हैं ना, समझ नहीं आते गुरुजी के चीजें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो मैं घर आके ना पिक्चर्स कंपेयर करने लग गई कि जो मैंने चोला चढ़ाया था वो वाली पिक्चर, और जब गुरुजी आ चुके थे
वो वाली पिक्चर में क्या डिफरेंस है। मे बी ऐसे ही लोगों को लग रहा है कि ओम दिख रहा है, क्या पता ओम पहले से ही बना हो। तो मेरा ये सब दिमाग घर में आके चल रहा था, मेरे कंपैरिजन चल रहे थे कि भाई ऐसे लोग शोर मचा रहे हैं ओम दिखा है और मैं भी हां जी कर रही हूँ सबको देख के, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअली में है कि नहीं है। आप इतने वो आपका माइंड ऐसा लेने के लिए अभी उस टाइम रेडी नहीं होता। तो मेरा मई में 21 मई में ही गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी स्टार्ट करा दिया था। तो मैं सुबह जब अपने पाठ पे बैठी अमृत वेला के टाइम पे, तो गुरुजी ने दिखाया कि मतलब मैं वही चीज मेरे दिमाग में घूमती जा रही थी कि वो लोग पता नहीं कैसे कह रहे हैं ओम है, और मैं पिक्चर्स दोनों कंपेयर कर रही हूँ चोले की। इतने में शब्द बजा, वो अमृत वेले की जो प्लेलिस्ट आती है उसमें शब्द बजा, फूला दी पालकी मेरे गुरुजी आए करके जो शब्द जो है वो वाला शब्द जैसे ही बजा, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग आई डोंट नो व्हाई। इतने में मेरे को रेड चोले में, जो आपको पीछे गुरुजी का चोला दिख रहा है, इस चोले में गुरुजी, मैं आंख बंद करके बैठी हूँ और गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए और बोलते हैं हाँ भाई क्यों कंपेयर कर रही थी कि वो सच है कि गलत, वो सच्ची में है कि नहीं है, ले आ गया तेरे सामने, अब बोल सच है कि नहीं है, देखी जा आगे आगे नजारे। और मैं तो भाई गुरुजी से माफिया मांग मांग के कि सॉरी गुरुजी गलती हो गई, आगे से कभी डाउट नहीं करूंगी, मैं से बहुत बड़ी गलती हूँ, मैं बहुत नादान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या है क्या नहीं है। और देखो गुरुजी ने आके ऐसे मेरे को पहले, मेरे गुरुजी ने पहले दर्शन दे दिए कि हाँ डाउट करती है, वो सच्ची में ओम था और मैं सच्ची में आया था। और वो आज तक मैं आंख बंद करूं तो वो मेरे को गुरुजी उस रूप में हंसते हुए मेरे सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं कि मेरे रूम में जहां मैं बैठ के अमृत वेला करती हूँ इसी रूम में, और गुरुजी यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे हैं हाँ भाई डाउट करती है। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी गलती हो गई, मैं आगे से डाउट नहीं करूंगी। ऐसी जब मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया था करने के लिए, तो ये भी यही था कि गुरुजी पहले मुझे 4 बजे उठाते थे, तो मेरे को होता था कि पता नहीं क्यों मेरी रोज 4 बजे नींद खुल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे समझ में आया जैसे जैसे सत्संग सुनते थे कि भाई ये गुरु का एक तरह से इंडिकेशन है आपको कि आप उठो इस टाइम पे पाठ करो। तो 4 करते करते आज मैं 2:30 बजे उठती हूँ। तो जैसी शुरू शुरू में जब मैं करती थी तो मेरे फर्स्ट 15 दिन बहुत डिफिकल्ट गए। वो इसलिए क्योंकि जब मैं उठ के सुबह पाठ करती थी तो मेरे आसपास ना मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव स्पिरिट्स फील होती थी कि कुछ है मेरे आसपास। जैसे ही मैं कमरे में आकर बैठती मुझे एक्चुअली मैं कई सालों से बहुत डर लगता था, मतलब गुरुजी जब से आए तब से मेरे अंदर का ये फियर निकल गया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे पीछे कोई शैडो है। ये मेरा डर बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि अब मुझे पता है मेरे पीछे, मेरे साथ, मेरे पीछे हमेशा, मेरे हर पल, मेरे आसपास मेरे गुरुजी। ये डर गुरुजी ने बहुत अच्छे से निकाल दिया। तो उस टाइम पे जब मैंने पाठ करना शुरू करा था तो मुझे ना ऐसे लगा कि मतलब मेरे को लगा नहीं, मेरे को एक्चुअली में सुनाई पड़ा कि मेरे आसपास मेरे कानों में आके कुछ लेडीज खच 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 करके बहुत ही ज्यादा बोल रही हैं। मतलब इतनी डिस्टर्बिंग थी कि मैं ध्यान नहीं लगा पा रही थी, अपनी ध्यान में नहीं बैठ पा रही थी। और मैंने ये सुना था कि जब आप ऐसे इस 3 बजे के आसपास पाठ करने बैठते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिरिट्स दोनों नीचे उतर के आती हैं, और वो आपको जो जो इस लाइन में जा रहे होते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में जा रहे होते हैं, वो लोग उस तरफ आपको नहीं जाने देते। तो ये मैंने बहुत पहले कहीं कभी सुना था, पर ये एक्सपीरियंस पहली बार किया और मैं इतना डर गई कि मैं मतलब मेरे को डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, इतना डर लगा। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज बचा लो, गुरुजी प्लीज बचा लो, ये कौन है, इनको हटाओ, इनको हटाओ। मेरा कंटिन्यूअसली ये चलना शुरू हो गया, जय गुरुजी प्लीज बचा लो, गुरुजी जय गुरुजी प्लीज बचा लो। फिर जोर से मैं बोली जो भी हो तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। एकदम से फिर से मुझे फील हुआ कि मेरे कमरे के कर्टन्स हिले हैं और कुछ बाहर गया। मैं फिर शांत हो गई, मुझे थोड़ा बेटर लगने लग गया कि चलो कुछ मतलब, क्योंकि आपका आसपास क्या हो रहा है आपकी वो प्रेजेंस आपको फील होती है। तो जैसे ही वो चीज हुई 5 मिनट बाद फिर आके मेरे कान में कोई खचखच खचखच करके बोलने लग गया, और मेरा फिर वही हाल कि गुरुजी फिर आ गया कुछ, गुरुजी प्लीज इसको निकाल दीजिए, प्लीज गुरुजी गिव मी स्ट्रेंथ, मेरे को आप संभालो, हेल्प करो, हेल्प करो। मैं जोर जोर से चिल्लाने लग गई। इतने में फिर से वही चीज हुई, वो एकदम से बाहर गई और मैंने फील किया कि मेरे चारों ओर एक ब्लू लाइट है, वो मेरे एक प्रोटेक्शन लाइट की तरह ऐसे चारों ओर बन गई है। और मैं ध्यान में बैठी हूँ और गुरुजी ने दिखाया कि एक तरफ साईं बाबा, एक तरफ काली माता, वो सब मेरे चारों ओर पहरा दे रहे हैं।
और उसके बाद गुरुजी मतलब वो एक हफ्ता मेरे साथ ये कंटिन्यूसली रोज होता था, और एक हफ्ते बाद ये सब चीजें खत्म हो गई। कहाँ गई, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, पर गुरुजी ने देखो ऐसे आके मुझे उस चीज से भी प्रोटेक्ट किया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि कुछ तो है जो इसको परेशान कर रहा है। और गुरुजी ने मुझे फिर उस दिन दिखाया कि मे बी आई डोंट नो कितना मेरे को नहीं समझ में आया कि समबडी हैज डन अ ब्लैक मैजिक ऑन मी विच वॉज बिकॉज ऑफ विच आई वॉज अफेक्टेड सिंस सो लॉन्ग, कि एक लेडी है जो मेरे को उन्होंने दिखाई बैठी हुई जिसने करा था मेरे ऊपर, तो एंड ही वो एक राख की तरह उन्होंने वैनिश कर दी, हटा दी, और उन्होंने बोला कि अब मतलब नहीं परेशान करेगा कोई। तो मैं एक बारी गुरुजी से ऐसी अमृत वेले के टाइम में बहुत रो रही थी कि गुरुजी ये सब मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मैं वहां से यहाँ क्यों आ गई, मतलब वाई मी, वो सब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब इतना सिवियर मेरे साथ क्यों हुआ। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया पूरा फिर से विजन में कि अगर तू आज वहां होती तो तू वहां नहीं होती, तू मेंटल हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती, तेरा इतनी ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि तेरे को वो लोग मेंटल हॉस्पिटल छोड़ के आते। तो देख आज मैं तेनों उत्थों कढ़ के ले आया, तो आज तू यहां बैठी है। तो फिर देखो गुरुजी ने कैसे मुझे फिर से किस चीज से निकाला है, ये गुरुजी को पता है। मुझे नहीं पता कितनी वर्ड्स होने वाली थी कि मैंने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाना था, और गुरुजी ने ये दिखाया कि मेरे को मेंटल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और मेरे जो मेरे सारे सब अपने जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ खड़े देख ही रहे हैं। तो ये कोई नहीं कर सकता, ऐसी चीज से कोई नहीं निकाल सकता, ये सिर्फ गुरुजी निकाल सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी, आपने पल पल बचाया है, पल पल संभाला है। अब मैं अपने डैड का सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे डैड की माई डैड इज एन हार्ट पेशेंट, तो उनकी दो तीन सर्जरीज हो चुकी हैं। तो अभी पापा की सेकेंड मतलब दो बाईपास हो चुकी हैं और एक बारी उनका पेसमेकर लग चुका है। अब सेकेंड टाइम उनका चेंज होना था, पर डॉक्टर्स ने एक तरह से उनको बोल दिया था कि इट्स ऑल ऑन योर रिस्क, मतलब आप अपने रिस्क पे कराओगे बिकॉज इट इज वेरी सिवियर, एंड उनकी थोड़ी कंडीशन थोड़ा ज्यादा ही, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज्यादा लो है पापा का, तो डॉक्टर को बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा था। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज पापा की विल इतनी स्ट्रांग है कि ही इज स्टिल लिविंग विद हिज बिकॉज ऑफ हिज विल पावर। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, आई एम अगेन रेडी टू टेक, बट कहीं ना कहीं पापा को इस टाइम थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट था कि बिकॉज डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, हमें कुछ नहीं पता, मतलब हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। तो इस बारी फर्स्ट टाइम आई फेल्ट समथिंग कि पापा कुछ ज्यादा ही थोड़े से थे, टेंस थे, और सब चीजें सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई बच्चों के लिए सोच लूं और चीजें सोच लूं, सबको सिक्योर करके जाऊं, तो पापा की ये सारी प्लानिंग शुरू होगी। तो उससे लगा कि पापा भी कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं कि एक्चुअली में ये कुछ ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि पापा इतनी जल्दी डरने वालों में से है नहीं। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने, मेरे ख्याल से ये अगस्त की बात होगी, अगेन 21 अगस्त, तो चंदन आंटी के किसी के उनके यहां पर सत्संग था, तो अगेन वहां दरबार सजाने की सेवा थी। तो पापा ने मंडे को एडमिट होना था, तो ट्यूसडे को सत्संग था उनके घर पे, हमने परवानू जाना था। तो मैं पापा को मंडे को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई, आंटी को बोला कि आंटी सॉरी, इस बारी मैं दरबार की सेवा नहीं कर सकती, शायद गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर पापा का ध्यान दो। तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं, अगर गुरुजी की ऐसी मर्जी है ठीक है, पर मैं फिर भी चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, दरबार की सेवा तू ही करे। मैं कहा देखो वो तो गुरुजी की मर्जी है, वो जो करवाएंगे। तो गुरुजी मतलब मंडे को हम लोग हॉस्पिटल गए, तो कमांड हॉस्पिटल गए, तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आप मैक्स हॉस्पिटल गए तो पापा को अपने आर्मी के कमांड हॉस्पिटल से कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती हैं। तो हम जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि आपके कुछ पेपर्स रेडी नहीं है, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका साइन होना बाकी है, तो आप ना वेनेसडे को एडमिट होना। तो मैं और मम्मा एक दूसरे को देख के हंस पड़े कि जय गुरुजी, गुरुजी चाहते हैं कि परवानू आओ और दरबार सजाओ। तो पापा भी हंस पड़े, पापा कहते चल जा तू परवानू, तूने पहले दरबार सजाना है गुरुजी का, उसके बाद सर्जरी होगी। तो वेनेसडे को पापा फिर हम परवानू गए, और वहां मैंने आंटी को आती कॉल किया कि आंटी देख लो गुरुजी की महिमा,
गुरुजी ने पापा की सर्जरी पोस्टपोन कर दी है, वो कह रहे हैं पहले आके मेरा दरबार सजा। तो फिर हम ट्यूसडे को सत्संग था, हम परवानू गए, तो वहां उनके वहां दरबार वगैरह बड़ा सुंदर सत्संग करवाया गुरुजी ने। गुरुजी की प्लानिंग गुरुजी जानते हैं, हम तो बड़ा अपनी तरफ से करके बैठे थे कि नहीं मुश्किल है, नहीं आ सकते ये सब कुछ, पर गुरुजी को पता था कि भाई ये भी इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। और फिर मैंने सत्संग में सुना था कि आपके थ्रू गुरुजी आपकी फैमिली को भी ब्लेस करते हैं, तो गुरुजी ने मुझे परवानू बुलवाया, अपना दरबार सजवाया, क्योंकि उन्होंने पापा को ब्लेस करना था। और वेनेसडे को फिर हम लोग गए, तो गुरुजी मतलब वेनेसडे को वापस हम लोग हॉस्पिटल गए कि भाई पापा को एडमिट होना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आज भी नहीं, आप थर्सडे को होगे। तो थर्सडे फिर से गुरुजी का डे है, तो गुरुजी ने थर्सडे को पापा एडमिट हुए। तो पापा की सर्जरी इट वॉज जस्ट फॉर एन वन एंड अ हाफ आवर, क्योंकि वो पेसमेकर की मशीन चेंज होनी थी। तो पापा को जब वो लोग लेके गए, तो मैंने पापा को गुरुजी के दर्शन वर्शन माथा वाथा टिकाया। तो जब लेके जा रहे थे, तो मतलब सर्जरी के लिए लेके गए, तो उसके बाद मैं और मम्मा नीचे वेटिंग हॉल में वेट कर रहे थे। तो एक डेढ़ घंटे की सर्जरी थी, इतने में क्या हुआ मतलब तीन साढ़े तीन घंटे लग गए। तो मैं तो नीचे अपना मंत्र जाप करने बैठ गई, डेढ़ घंटे का जो हमारा प्लेलिस्ट वो जो आता है मंत्र जाप, तो मैं अपना मंत्र जाप लगा के ध्यान में बैठ गई कि भाई गुरुजी आप सब देखना संभालना। अगेन गुरुजी शोड मी, जब मेरा मैं ध्यान में बैठी तो गुरुजी ने दिखाया, क्योंकि पहले मैं बुद्धिज्म में भी बहुत ज्यादा थी, तो गुरुजी ने दिखाया कि एक तरफ गुरुजी खड़े हैं व्हाइट चोले में, अगेन मेरे को ज्यादातर गुरुजी ने व्हाइट चोले में ही दर्शन दिए हैं, तो एक तरफ गुरुजी खड़े हैं और एक तरफ बुद्धा जी खड़े हैं, और पूरी डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई है, और गुरुजी उन डॉक्टर्स को गाइड कर रहे हैं कि कैसे आपको सर्जरी करनी है, यहाँ पर ऐसे करो वैसे करो। पूरा पूरा विजन एक डेढ़ घंटा मेरा यही विजन चलता रहा कि एक तरफ गुरुजी और एक तरफ बुद्धा जी खड़े हैं, एंड बुद्धा जी बड़े शांत खड़े हैं, और गुरुजी सब कुछ गाइड करने लगे हैं डॉक्टर्स को कि भाई आपको सर्जरी, मतलब पूरा ऐसे क्योटिक माहौल है ऑपरेशन थिएटर में, और सारा कुछ गुरुजी गाइड कर रहे हैं। खैर ये डेढ़ घंटा जब मेरा मेडिटेशन खत्म हो गया, तो मम्मा कहती डेढ़ घंटे की सर्जरी थी, जाके पूछ क्या अभी तक खत्म नहीं हुई, तीन घंटे मतलब ये होने के बाद तीन घंटे हो गए थे। तो हमने वहां गार्ड से पूछा कि भैया अभी तक सर्जरी खत्म नहीं हुई, कहते जी वो ना बड़ा कोई क्रिटिकल केस हो चुका है, ऊपर हमें समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर इधर उधर बड़े भाग भाग रहे हैं। तो पापा को तो जैसे हाफ फेस मेकर चेंज करना होता है, तो पापा वॉज स्टिल इन ही कुड हेयर एवरीथिंग कि भाई क्या चल रहा है आसपास, सब पता था। तो बाद में आके जब वो सर्जरी खत्म हुई, तो मम्मा को डॉक्टर ने बताया इट वॉज वेरी क्रिटिकल, वो सिंक कर रहे थे, उनकी पल्स भी डाउन जा चुकी थी, और क्योंकि वेन्स उनकी सारी श्रिंक हो चुकी थी, तो हमने तो हाथ डाल दिए थे कि हमारे बस की नहीं है, हम शायद अब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वेन्स ही नहीं कनेक्ट हो रही थी उनके पेसमेकर के साथ। तो पता नहीं कैसे बचे हैं, हमें नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि ये हुआ क्या, इनके रिस्क पे हुआ। फिर पापा जब होश वोश आया, तो पापा ने बताया कि ही कुड हेयर एवरीथिंग, कि वो लोग बोल रहे हैं कि वेन्स नहीं मिल रही हैं, वो श्रिंक हो चुकी हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या करो ये, मतलब पूरा वो एक्चुअली में क्योटिक माहौल था, जो कि गुरुजी मुझे उस टाइम पे दिखा रहे थे, और गुरुजी खड़े थे वहां पर पापा को संभालने के लिए, तो फिर कैसे ऐसे कुछ हो सकता है ना। तो गुरुजी ने देखो खड़े होके पूरा ऑपरेशन कराया, जो कि एक्चुअली में पूरा क्योटिक हो चुका था, बहुत ही क्रिटिकल हो चुका था, जो कि डॉक्टर्स ने खुद बोला आकर हमें बाद में। और मम्मा कहती देखो इसको पहले ही बता दिया गुरुजी ने कि ये ऑलरेडी सिचुएशन ऊपर चल रही है, और गुरुजी ने खड़े होके सारा ऑपरेशन कराया, और मेरे पापा को अगेन लाइफ ब्लेस करी। और सॉरी मैं बताना भूल गई कि इससे एक रात पहले मुझे विजन आया कि माय फादर इज नो मोर, एंड पूरा हमारे घर का माहौल ऐसा हो रखा है, एंड पापा इज लाइंग इन दी ड्राइंग रूम। मैंने पूरा ये वाला सीन देखा, तो मैं बड़ा सुबह उठी तो मैं बड़ा परेशान थी, घबरा गई कि ये क्या दिखा दिया गुरुजी आपने, ये क्या दिखा दिया। मैं सुबह उठ के गुरुजी को बोल दिया, मैंने मम्मा को भी नहीं बताया कि मम्मा आज ना ऐसे वाला ड्रीम दिखा। तो मन परेशान था, तो मैंने एक सत्संग सुना कि गुरुजी ड्रीम में आकर आपको आपके कष्ट कटवा देते हैं। तो अंदर से भी डर भी लग रहा था कि भाई ये कैसा सा विजन दिखा दिया, इतना डर लग रहा था, पर वही वाली बात थी कि गुरुजी ने ड्रीम में आके कष्ट कटवाए, पापा को संभाला, और देखो खुद खड़े होके पापा की सर्जरी सारी कराई।
और ये कोई नहीं कर सकता, ये गुरुजी पल पल संभालते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, और हर पल वो कहते हैं ना आपके थ्रू गुरुजी पता नहीं किस किस को ब्लेस कर रहे हैं, तो हमें इन पे फेथ नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं, मतलब आई एम स्पीचलेस फॉर दिस थिंग। और नेक्स्ट एक और है कि गुरुजी ने मुझे यहाँ पर मासी बना दिया है। पहले तो कुशाग दीवान हैं, क्या हुआ कि उनके लिए ना गुरुजी ने कोई मैसेज दिया मुझे, तो मैं एक सत्संग में गई हुई थी, तो वहां पर कुछ मैसेज था उसके लिए, तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि आई डोंट नो कि मुझे ये मैसेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कन्फर्म्ड है कि नहीं है। तो मैं ध्यान में बैठी हुई थी, इतने में मुझे ना बड़ी स्ट्रांग चंदन की खुशबू आई। तो जैसी खुशबू आई तो कुश के दादू ने एंट्री करी और वो मत्था टेका, तो मेरे लिए अगेन वो साइन था कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे ये उनको मैसेज, उसको मैसेज देना है। तो फिर मैं अगेन, मैं फिर भी फिर एक और मैंने क्वेश्चन किया, गुरुजी आई एम स्टिल नॉट कन्फर्म्ड कि मुझे एक्चुअली में ये मैसेज उसको देना है कि नहीं देना। तो फिर से क्या हुआ, गुरुजी ने एक चोला मुझे दिखा दिया, मतलब खुद अपने आप को एक स्वरूप में दिखाया रेड चोले में कि इसके साथ तुझे देना है। तो मेरी आंख खुली, मैंने देखा, पहले वो रेड वाला छोटा सा पॉकेट स्वरूप वहां नहीं पड़ा था, उसके बाद वो आंटी ने आके कब रख दिया मुझे नहीं पता, अगेन सेकेंड सिग्नल गुरुजी ने दिया कि तुर को वो देना है उसको। और क्या था कि, और साथ में मुझे रोजेस देने थे, तो गुरुजी ने मेरे को ये था, वो आंटी हमेशा गेंदे के फूल से ही सारी डेकोरेशन करती थी और उस दिन पहली बार आंटी ने रोजेस से डेकोरेशन कर रखी थी, तो वो अगेन एक और साइन था। तो मैंने कुश को उसका मैसेज दिया और उसके नेक्स्ट डे कुश ने कुछ मुझे रिप्लाई किया उसके थैंक यू पे रिगार्डिंग। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब ये क्या आप नए नए रिश्तों में डाल रहे हो, मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता ऐसे नहीं रखना है, कोई अटैचमेंट नहीं डालनी, मैंने बहुत अटैचमेंट करके देख लिए, मुझे अब सिर्फ आपसे अटैचमेंट रखनी है और आप ही से प्यार करना है, मुझे प्लीज किसी और के साथ कोई रिश्ते में मत डालो। तो कुश का एक मैसेज था, थैंक यू सो मच, यू आर जस्ट लाइक माई मदर। तो मैं गुरुजी को ये लाइन बोली कि गुरुजी मत करो मुझे किसी के साथ कोई अटैचमेंट में मत डालो, ये नहीं। तो गुरुजी मुझे आके बोलते हैं, बेवकूफ समझ, चली समझ एनु, यू आर लाइक माई मदर की होंदा है, माँ जैसी, मतलब तू आज से उसकी माँ सी। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे उसकी मासी बना दिया और बोला कि आज से तू उसकी मासी है, वो तुझे मासी बोलेगा। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको बताया कि गुरुजी ने तेरे लिए एक और मैसेज दिया है कि आज से तू उसकी मासी, और अब मुझे यहाँ पर सब बच्चे, ये सारे लोग मुझे मासी बुलाते हैं, बच्चे तो छोड़ो अब तो सभी लोग, आंटी लोग भी मुझे मासी बोलने लग गए हैं क्योंकि गुरुजी के दिया हुआ नाम है, तो सब सुरुचि मासी बोलने लग गए हैं, क्योंकि मैंने सुना था गुरुजी ऐसे ही मामी चाची ताई सब गुरुजी के बहुत सारे थे, तो गुरुजी ने मुझे मासी बना दिया ऐसे ही, मतलब एक और सुंदर सा रिश्ता दे दिया यहाँ पर। फिर अब मैं आपको अपने मदर का भी सत्संग शेयर करती हूँ। सेकेंड ऑफ जैन को जब डुगरी दर्शन स्टार्ट हुए थे, तो मम्मा पापा को हम सब डुगरी के लिए दर्शन करने के लिए गए वहां पर। तो जब हम वहां से वापस आए, तो अभी यही सेकेंड, इसी ईयर सेकेंड को, तो जब वापस आए तो मम्मा की तबीयत बड़ी खराब हो गई थी, मम्मा बड़ी वॉमिटिंग वगैरह कर रही थी, तो मतलब पूरी रात, मम्मी 8 बजे की शुरू हुई वहां और सुबह 4 बजे तक वॉमिटिंग करती रही। तो मेरा अपना पाठ, 4 बजे मैं उठी पाठ के लिए, तो मम्मी पूरी रात परेशान वॉमिटिंग कर कर कर, मम्मी गुरुजी को बोली जाए कि भाई गुरुजी क्या हो गया, बड़ी परेशान हो रही हूँ, मेरी वॉमिटिंग ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। तो मम्मा की वैसे सर्जरी हो चुकी है गॉल ब्लैडर की, तो शायद गुरुजी, जब मम्मी लंगर प्रसाद खाती है ना, मम्मी की अच्छे से गुरुजी लंगर प्रसाद से अंदर स्टमक उनका क्लियर करते हैं, सफाई करवाते हैं। तो मम्मी उस दिन, तो मम्मी बहुत ही ज्यादा बेचारी परेशान रही, पूरी रात वॉमिटिंग करती रही। तो जितनी देर मैं उठ के पाठ करने गई, तो मम्मी को ड्रीम आता है कि एक कोई लेडी है, हम डुगरी मंदिर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में वही मंदिर की तरफ जाते हुए किसी का घर है, वहां पर एक लेडी है और वो लेडी मम्मा को पकड़ के लेके गई है, और उस वहां पर उस घर में गुरु नानक जी की पीर रखी हुई है और बीर रखी हुई है, और वो वहां पर जाके सबको बोल रही है, ऐस कुड़ी ले अरदास करो, एनु जल्दी ठीक करो, मेरी बच्ची बड़ी परेशान है, बड़ी बीमार है। मतलब मम्मी को वो बीच में जब नींद लग गई 3:30-4 के करीब, तो मम्मी को गुरुजी ने ये दर्शन दिए
कि इनका ध्यान रखो। तो उस लेडी का मम्मी को कपड़े भी याद है, बहुत बुजुर्ग सी लेडी थी, वो मम्मी को ड्रीम में ऐसे लेके गई। ये ड्रीम मम्मा को आया और जब मैं उठ के वापस गई पाठ करके, तो मम्मा कहती है मेरे को तो एकदम से ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है। तो मम्मा की वॉमिटिंग रुक गई, मम्मा को एकदम से ठीक लग रहा। पर मम्मी ना, मैं और मम्मा ये डिस्कस करने लग गए कि कौन होगा वो लेडी, कौन हुई होगी मम्मा जो आपके विजन में आके आपको वहां लेके गई गुरु नानक जी के पास। तो समझ नहीं आ रहा कौन है, शायद आपकी मम्मा होगी, शायद मेरी नानी होगी। तो हम ये सब डिस्कस करने लगे। रात को हमने सत्संग सुना तो पता चला, एक ऐसी ऐसी किसी सत्संग में बताया कि ऐसी किसी लेडी की बेटी बहुत बीमार थी, तो वो बड़े मंदिर गई थी। तो बड़े मंदिर जब वो गई थी तो गुरुजी ने, एक लेडी उनके पास आई, तो वो उसकी बेटी भी कुछ खाती नहीं थी, जो खाती थी वॉमिट कर देती थी। तो उसकी बेटी वहीं पर थी उसके साथ, तो उसकी बेटी को वो लेडी लेके चली गई कि मैं आपकी बेटी को थोड़ी देर लेके जा रही हूँ। तो वो उनको समाधि के पास ले गई बेटी को, तो बाद में उसकी बेटी को वहीं छोड़ के चली गई। तो वो लेडी अपनी बेटी को ढूंढने लग गई कि वो छोटी सी बच्ची मेरी कहाँ चली गई, कौन थी लेडी लेके चली गई। तो उसने आके अपनी बेटी से पूछा कि बेटा वो जो आंटी आपको लेके चली गई थी वो कौन थी, कहाँ चली गई। कहती मुझे नहीं पता कहाँ चली गई, उसने ना मुझे बोला मुंह खोल और मेरे मुंह में उसने फिंगर डाल दी और उसके बाद पानी डाला मेरे मुंह में और वो कहीं चली गई। तो कहती बहुत अजीब थी वो, कौन थी। और उसने, उस लेडी ने ये बोला था मैं मंदिर की दाई माँ हूँ। तो वो आंटी फिर उनको ढूंढने लग गई कि ये मंदिर की, बड़े मंदिर की दाई माँ कौन है, दाई माँ कौन है। तो सब कहने लगे भाई दाई माँ तो वो रहे जो हमारे पास है, गुरु जी की तरफ सब इशारा करने लग गए कि दाई माँ तो ये है, दाई माँ तो ये है। तो वो आंटी कहती कि दाई माँ ये है। थोड़ी देर बाद फिर से उसी बच्ची को उसी लेडी ने दर्शन दिए, वही व्हाइट सूट में वैसे ही थी। तो फिर आके बोलती कि ये बेटा जल प्रसाद तू रख ले। तो कहती आप कौन हो। तो कहती मैं दाईमा हूं यहाँ की। तो देखो गुरुजी ने हमें वो सत्संग सुना के जवाब दे दिया कि मैं और मम्मा डिस्कस कर रहे हैं कि वो विजन में जो लेडी आई होगी वो शायद नानी होगी, वो आपको लेके गई होगी कि भाई मेरी बेटी को ठीक कर दो। पर वो और कोई नहीं, गुरुजी तो किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो गुरुजी उस लेडी के रूप में आके मम्मा को विजन में आके ब्लेस करके गए और उनको, उनकी वॉमिटिंग रोकी, उनकी वॉमिटिंग ठीक करी। तो ये हम लोग गुरुजी को गुरुजी के रूप में ही ढूंढते रहते हैं, पर गुरुजी किसी भी रूप में आके हमें दर्शन दे जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने जब मेरी यहाँ पर दरबार की सेवा लगा रखी थी, तो जैसे कुछ है ऐसे ही प्रज्ञा है, वो उसको भी, वो भी मुझे मासी बुलाती है। तो हम दोनों का प्लान बना कि हम लोगों ने ना फेब में, इसी साल फेब में हम लोग डुगरी मंदिर दर्शन करने जाएंगे। हालांकि हमें पता था, ये 26 फेब की बात है, हमें पता था कि डुगरी मंदिर बंद है। बंद होने के बावजूद भी हम लोग मंदिर दर्शन करने गए, क्योंकि उसका कनाडा का वीजा लगवा दिया था गुरुजी ने, जो कि 3-4 बारी रिजेक्ट होने के बाद उसके उसका वीजा लगा। तो उसने शुक्राना करने जाना था, तो मैंने उसे बोला मंदिर बंद है। कहती कोई बात नहीं मासी, बैठ के आएंगे खूब देर वहां पर। तो मीन टाइम हम अपने भाई के लिए मैच देख रहे थे, तो कि भाई कोई, उसने शादी.com में सब जगह डाल रखा था, तो उसके लिए हम लड़कियां देख रहे थे उसी दौरान की बात है। तो हम दोनों मंदिर की तरफ गए, हम डुगरी मंदिर गए, हम वहां आधा पौना घंटा बैठे रहे। तो वहां पर हम जैसे ही गए तो वहां पर एक बाबा जी आए, तो हम गुरुजी के घर है जहाँ डुगरी मंदिर में, हम वहां गए। तो दोनों वहां बैठे रहे कि इस इंतजार में जब मंदिर खुलेगा तो हम मंदिर दर्शन करके आएंगे। तो पीछे पीछे एक बाबा जी आए हमारे, तो हमने कहा हाँ जी बाबा जी। कहते कोई ना तुसी चलो चलो, मैं थोड़े पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो हमें बड़ा अजीब लगा कि पता नहीं कौन है बाबा जी। फिर एक ये भी चीज आती है दिमाग में कि गुरु जी का द्वारा है, गुरु जी की धरती है, तो हो सकता है कोई भी गुरु जी के रूप में आ सकता है। तो कोई बात नहीं, हर किसी को पोलाइटली वो कर लो। तो हमारे पीछे पीछे वो आए और आके मुझे कहते हैं कि 100 रुपए निकाल। तो मैंने कहा 100 रुपए क्यों, बस मैं कह रहा दे दे मैनू। तो उन्होंने, मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद मुझे कहते 10-10 से 2 नोट भी निकाल। तो मैंने कहा गुरुजी, बाबा जी मेरे पास नहीं है 10-10। कहते मैनू पता है तेरे को हैगे ने 2-2 10-10 के नोट ने। और मैंने पर्स खोला, वाकई में मेरे पास सिर्फ 2 ही 10-10 के नोट थे, जो कि उनको पता था। तो उन्होंने, वो मैंने उनको पैसे दिए। तो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, मे बी फिर हम दोनों डिस्कस करने लगे कि गुरुजी ने कोई कष्ट निकालना होगा। तो हम लोग अभी डुगरी के 5-10 मिनट पहले ही थे, पहुंचने वाले थे जब हम, तो ब्रदर का कॉल आता है कि उसका कोई लंदन से भी कोई रिश्ता आया था। तो कहता वो तो नहीं नहीं हो रहा, तो
अब मेरे लिए कोई और ये तो कुछ और पंगा ही हो गया, वो लड़की तो आई नहीं रही, जो भी कुछ कहानी थी। तो प्रज्ञा बोलती भैया कोई ना आपको जल्दी लड़की मिलेगी। कहते क्या भैया भैया बोलती रहती, मेरे लिए लड़की नहीं देखती। तो जैसे ही भाई ने ये बात बोली तो हम लोग यहाँ पहुंचे, तो एकदम से उसके दिमाग में आई कि मेरी एक फ्रेंड है वो भी गुरु संगत है और मैं क्यों ना उससे बात करूं। मतलब सोचो हम गुरु वहां डुगरी मंदिर पहुंच के गुरु जी के घर के आगे बैठ के हम लोग मैच मेकिंग का काम कर रहे हैं कि उसने अपनी वो फ्रेंड का नंबर निकाला, फोटो निकाली, और इधर से उसने मैंने अपने भाई का नंबर दोनों का एक्सचेंज किया हम लोगों ने, और एक दूसरे की पिक्चर्स एक्सचेंज करी। वहां इतनी देर बैठ के हम लोग यही करते रहे, जैसे कि गुरुजी ने हमें वहां पर इसीलिए भेजा था कि तू अपने भाई के लिए कुड़ी एथे बह के मैं सारा रिश्ता पक्का कराऊंगा, सारी कुड़ी वुड़ी सब कुछ चेक कराऊंगा। दोनों के हमने नंबर एक्सचेंज करवाए। तो वो लड़की उस टाइम पे मंडी गोविंदगढ़ में पढ़ा रही थी एज अ टीचर, रेजिडेंशियल स्कूल है वहीं पढ़ा रही थी। तो वहां पर मेरे को वापस जब हम लोग वहां से निकले तो मुझे प्रज्ञा बोलती है कि मासी चलो हम उसको मिलते हुए चलें। तो मैंने कहा रस्ते में पड़ेगा? कहती हाँ रस्ते में पड़ेगा। तो गुरुजी की महिमा देखो कि अगर मेरे को स्पेशली ये लड़की देखने के लिए यहाँ आना होता तो शायद मैं मंडी गोविंदगढ़ चंडीगढ़ से नहीं जाती कि कौन स्पेशली लड़की देखने जाए, करना होगा वो बाद में अपने आप देख लेगा कर लेगा। पर गुरुजी को पता था ना कि ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे, ये मेरे बहाने से तो आ जाएंगी पर वैसे नहीं आएंगी। तो वापसी में हम लोग उस वहां गए, 15 मिनट का रास्ता रह गया था, गुरुजी ने फिर से टेस्ट लिया। इतने जबरदस्त मतलब फोकस थी उस दिन कि आज बारिश होगी, ओले पड़ेंगे। पर जितनी देर हम डुगरी मंदिर घंटा दो घंटा बैठे रहे ना बारिश हुई ना कुछ ऐसा आसार लगा कि बारिश होएगी। इतनी सुंदर धूप लगी रही, इतनी प्यारी हवा चलती रही, और हम 1-1.5 घंटा वहां गुरुजी के द्वारे बस बैठे रहे दोनों और यही काम करते रहे। और इतना सुंदर वो मोमेंट था कि मन ऐसा हो रहा था कि ये कभी खत्म ही ना हो, ये वक्त ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। और हम गुरुजी के घर के बाहर यूं ही बैठे रहे ऐसे ही, बस पता नहीं वो बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना पॉजिटिव ऑरा। तो जब हम वहां से निकले, जैसे ही हमने डुगरी क्रॉस करा एकदम से जबरदस्त बारिश शुरू हो गई, और इतनी देर में 10 मिनट का ही रास्ता रह गया था मंडी गोविंदगढ़ से। जब मैंने इसने उसको आप आ जाओ यहाँ पर 15 मिनट का, हमने कहा यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है तो हम तो कैसे पहुंचेंगे। तो मैंने प्रज्ञा को बोला कि हम रास्ता रहने देते हैं फिर कभी मिलेंगे, हम यहाँ से ना हाईवे पकड़ लेते हैं। कहती नहीं 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 चलो चलो अब इतनी दूर आए हम मिलके ही जाएंगे। तो देखो 15 मिनट तक गुरुजी टेस्ट लेते रहे कि ये रास्ता बदलती है कि ये चलती है इसी रास्ते पे, और इतने जबरदस्त ओले कि जो 10 मिनट का रास्ता था वो आधा पौना घंटा हमें उसी रास्ते में ही लग गया हमें कवर करने में। खैर हम वहां पहुंचे, उस लड़की से मिले, तो सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ, मतलब अच्छा लगा हमें सब कुछ। तो प्रज्ञा ने बोला कि एक्चुअली यही लड़के की बहन है जिसे मैं मिलवाने लाई थी, तो कहती वो तू तो मासी मासी बोल रही थी, तो खैर वो तो अलग बात है। पर मम्मा पापा ने भी वो लड़की उसी दिन देखी जिस दिन शादी थी, और गुरुजी ने, मैंने जब उस लड़की को देखा सब हमारा सबका फिक्स हो गया। और कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे फिर से विजन में दिखाया था कि यही, मतलब मैंने ये चीज बाद में नोटिस करी कि यही लड़की सेम नोज पिन पहना हुआ पिंक ड्रेस पहनी हुई मुझे बार बार मेरे भाई के लिए वो लड़की दिखा रहे थे। तो मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी आप मुझे रोज लड़की की शक्ल दिखा देते हो, अब मैं लड़की कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी, अब मेरे ये लड़की तो मेरे दिमाग में बैठी हुई है, मैं इसकी फोटो कैसे निकालूं, या मैं नाम तो बता दो लड़की का कि क्या नाम है लड़की का, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को आपने किस लड़की की फोटो दिखा रहे हो, गुरुजी कोई तो हिंट दो। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि बिकॉज गुरुजी रोज मुझे विजन में वही लड़की दिखाई जाए, वही फेस वही नोज पिन सब कुछ वैसे ही उसकी नाक दिखाई जाए। तो मैं कहा पता नहीं क्या गुरुजी दिखा रहे हैं, मैं लड़की कहाँ ढूंढने जाऊंगी, अब भाई को कैसे बोलूंगी कि भाई ऐसी लड़की दिखा रहे हैं गुरुजी तेरे लिए, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा हम कैसे ढूंढेंगे। जिस दिन इनकी शादी थी और इसका नाम निधि है, जिस दिन इसकी शादी थी और ये तैयार होकर आई, और जैसे ही मैंने इसको देखा और इसका जो हेयर स्टाइल था और जैसे इसने कलर कॉम्बिनेशन पहना था वो एग्जैक्टली वही था जो गुरुजी मुझे इतने दिनों से दिखा रहे थे। और मैंने कहा बाप रे गुरुजी आपकी क्या प्लानिंग है, इतने दिन से आप मुझे दिखा रहे हो और देखो यही थी, मुझे पता ही नहीं चला, हालांकि हमने सब कुछ फिक्स कर दिया सब कुछ हो गया, पर वो वही थी जो गुरुजी मुझे इतने दिन से दिखा रहे थे। ऐसी 13 अक्टूबर को जब हमारे यहाँ सत्संग हुआ था
पहली बार सत्संग किया था हमने, तो गुरुजी ने ना व्हाइट एंड रेड चोला विजन में फिर दिखा के सिलेक्ट कराया, जो सैटन का व्हाइट चोला था और रेड बनारसी दुपट्टा था। तो मैं जब सारा बना लिया कर लिया, तो मैं मम्मा को बोलती थी, मैंने कहा बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन बनाया है गुरुजी ने, रेड सैटन के साथ बनारसी दुपट्टा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी जो दिखा रहे हैं करेंगे तो हम वो। तो सोचो एक साल पहले 13th October 2021 में ही, 21 में ही गुरुजी ने ये पूरा दरबार चोला सिलाया। मतलब गुरुजी ने तब लड़की देख रखी थी भाई के लिए, क्योंकि जब हम लोगों ने सब इसके जब भाभी के लिए जब सब हमने कपड़े वगैरह खरीदे, हमसे चुन्नी ही जो मेन होती है वो ही मिस आउट हो गई। सारे कपड़े खरीद लिए, हमने चुन्नी नहीं ली। तो मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा हम दुपट्टा लेना तो भूल ही गए, सारे कपड़े ले लिए। तो गुरुजी ने आके फिर विजन में दिखाया कि उन्होंने वही अपने गद्दी पे बैठे हैं, उन्होंने दुपट्टा यूं उठाया, अपना जो रेड चोला बनारसी दुपट्टा था वो यूं खींचा और ऐसे करके उसके ऊपर ओढ़ा और बोला, ऐदा मैं ही माँ ते मैं ही ऐदा प्यो, ऐ मेरी लाज है, ऐ चुन्नी तो उन्हों चढ़ाएगी। तो देखो गुरुजी की प्लानिंग कितनी सुंदर है कि गुरुजी ने कब से उस लड़की के लिए तैयारियां करा के हमें रखी हुई थी, जो चोला भी उसकी चुन्नी चढ़ाई भी गुरुजी ने अपनी तैयार करा के रखी हुई थी कि तूने यही चुन्नी उसको चढ़ानी है, यही दुपट्टा तूने उसको चढ़ाना है। तो ये कौन कर सकता है, ये सारी प्लानिंग गुरुजी की है। हम लोग तो बस सोचते ही रह जाते हैं चीजें, और क्या क्या चीजें हो जाती हैं हमें खुद को ही नहीं समझ में आता, इम्पॉसिबल चीजें हो जाती हैं। गुरुजी के तो खैर जितने गुणगान गाएं उतने ही कम है, अनलिमिटेड है। आज अभी तो मुझे फिलहाल बस इतने ही सत्संग याद आ रहे हैं, आगे फिर ज्वाइन करूंगी कभी कुछ और याद आएंगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी।